बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम जो से हैं दो टॉपिक्स एक्चुअली इकट्ठे पढ़ेंगे। वन इज़ कॉल्ड DSCP और दूसरा जो टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP राउटिंग या राउटिंग। ठीक है, तो यानी ये पिक्चर अब्दुल्ला ने का ऐड कर दे, तो ये ऐसे जनरेट शो कर रही है कि 70640 640 और 640 हो गए, ये 642 को हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो DSCP एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP राउटिंग, DSCP के बारे में हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये उसी तरह का एक वही टॉपिक है जिसे हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 70640 में भी और 46 में भी, कि IP एड्रेस जो सा है हमने अपने नेटवर्क में कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली देना है, तो वो कैसे देंगे, और उसके लिए हमें DSCP सर्वर की ज़रूरत होगी, उसकी इंस्टॉलेशन देखी, उसके स्कोप्स देखे, सारा कुछ देखा। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं आज रेज करना चाहता हूँ, वो ये कि IP वर्जन 6 की जो सी है DSCP पूल का ऑप्शन था, है विंडोज़ 2008 के अंदर आया है और R2 के अंदर, तो उसको देखेंगे कि वो क्या होता है और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ भी होती है या नहीं। ठीक है, तो DSCP हमें पता है IP एड्रेस देता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और उसे IP एड्रेस मिल जाता है। आपको ये सारे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी मैंने दिखाए हुए थे, ये माइक्रोसॉफ्ट की बुक से है। ठीक है, DSCP क्लाइंट जो सा है जिस तरह ही ऑन होता है वो देखता है कि मुझे कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि मैंने IP एड्रेस जो सा है वो लेना है DSCP सर्वर से, तो वो एक ब्रॉडकास्ट भेजता है। और जो DSCP सर्वर, जो भी अवेलेबल DSCP सर्वर, अगर मेरे पास नेटवर्क है उसमें दो DSCP सर्वर भी हो सकते हैं, उनमें से जो पहले रिस्पॉन्स कर देगा तो वो मुझे DSCP ऑफर करेगा, उस पैकेट को DSCP ऑफर कहते हैं। और उस पैकेट के रिस्पॉन्स में मैं DSCP रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मुझे दे दिया जाए, और फिर मुझे एक IP एड्रेस ऑन अ लीज दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लीज टाइम मेरे ख्याल में 8 डेज होता है। ठीक है, 8 आवर्स या 8 डेज है, देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ DSCP सर्वर वर्क्स। तो DSCP लीज एंड स्कोप ऑप्शन, ठीक है, DSCP के अंदर जो लीज और स्कोप ऑप्शन होते हैं वो क्या है, कि प्रोवाइड क्लाइंट विद एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स के DSCP, जब हमने किसी को DSCP सर्वर ने IP एड्रेस दिया उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है साथ साथ, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑप्शंस। ठीक है, मोर देन 60 स्टैंडर्ड DSCP ऑप्शंस होते हैं, यानी अगर आप एक सिटी के अंदर आते हैं और आपको वो IP एड्रेस दे देता है, तो आपको बताता है अच्छा जी से IP एड्रेस इज सॉर्ट ऑफ अ नंबर प्लेट, और उसके अलावा वो आपको मैप भी दे देता है कि अगर आपने शॉपिंग मॉल जाना है तो यहाँ जाना है, पेट्रोल पंप जाना है यहाँ जाना है, होटल मोटल रेस्टोरेंट पे जाना है तो यहाँ जाना है। ठीक है, तो स्कोप ऑप्शन इज सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, कि जब आपका कोई PC नेटवर्क के ऊपर आता है तो आप उसे बता रहे होते हो कि भैया अगर आपने DNS सर्वर के पास जाना है तो यहाँ जाएँ, आपका डिफॉल्ट गेटवे ये होगा, विंस ये होगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनमें से कोई 6 इंपॉर्टेंट जो लीज ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बुक में मेंशन किए हैं वो बताता चलूँ, कि आपको अपने आपके DNS सर्वर का IP एड्रेस दे देगा, आपको पता है कि वो DNS सर्वर क्या करता है, नेम टू IP रेजोल्यूशन करता है। ठीक है, आप लोग अभी DNS सर्वर की शक्ल देखते ही परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि अभी 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 आप कल परसों ही DNSSEC का लेक्चर पढ़ के हटे। ठीक है, आपको राउटर का एड्रेस दे देगा आपके नेटवर्क पे, कि अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आपको विन सर्वर का एड्रेस दे देगा, DNS डोमेन नेम का एड्रेस दे देगा। ठीक है, व्हाट डोमेन नेम एंड क्लाइंट टू यूज, ठीक है, डायनेमिक अपडेट करने के लिए, कि आपका डोमेन नेम क्या है, urduitacademy.com। ठीक है, और उसके बाद विंस नेट NBT नोड टाइप, कि आपका जो नेट बायोस की नोड टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट है या हाइब्रिड है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्विकली आपको CMD करके IP आ रही है, हाइब्रिड आ रही है। ठीक है, तो इस सॉर्ट ऑफ अ ब्रॉडकास्ट नोड है या हाइब्रिड नोड है। लीज यूज फॉर द रिमोट क्लाइंट्स, के रिमोट क्लाइंट्स के लिए हमें यूज करते हैं इस तरह का ऑप्शन, कितनी देर के लिए हमने उसे IP एड्रेस लीज करना है। ठीक है, जो बाहर से आके हमारे DSCP सर्वर से एक्सेस कर रहा है, नॉर्मली फॉर द VPN क्लाइंट। ठीक है, DSCP सर्वर के अंदर एक फिल्टर का ऑप्शन है, स्प्लिट स्कोप का ऑप्शन है और एक्सक्लूजन रेंज का ऑप्शन है। फिल्टर्स क्या, कि मैं चाहता हूँ यार ये जो फिल्टर्स का ऑप्शन है ना, ये नया आया, ये क्या करता है, मुझे एक लिंक ले लेने, ये क्या करता है फिल्टर्स का ऑप्शन, कि मैं कहता हूँ यार इन मैक एड्रेसेस को जो सा है IP एड्रेस नहीं देना। ठीक है, स्प्लिट स्कोप क्या करता है, कि अगर मेरे पास 100 IP एड्रेसेस हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ 70 IP एड्रेसेस एक DSCP सर्वर के पास हों और बाकी जो 30 IP एड्रेसेस हैं वो DSCP सर्वर 2 के पास हों, जस्ट इन केस अगर ये DSCP सर्वर डाउन हो जाए तो हम इससे IP एड्रेस ले सकें, मगर ये सिर्फ हमें 30 IP एड्रेसेस देगा। ठीक है,
और न्यू फीचर्स के अंदर क्या आया, IPv6 आया, IP वर्जन 6, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट। स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कि आपका IP वर्जन 6 जो सा है, बगैर DHCP सर्वर से कम्युनिकेट किए हुए अपने आप को IP एड्रेस दे लेता। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन की एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, वट इज़ माई प्रीफिक्स, ये कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने इसके साथ एनिमेशन डाली हुई नहीं डाली हुई, ठीक है, ये कंप्यूटर ऑन होता है, ये अपने आप को अपने आईपी एड्रेस के लास्ट जो बिट्स हैं वो दे लेता है फ्रॉम द मैक एड्रेस, या मैक एड्रेस के बगैर भी दे देता है, और उसके बाद जो प्रीफिक्स है वो ढूंढता है, ठीक है। अब जब इसी अपने प्रीफिक्स की रिक्वेस्ट भेजता है, यानी अपने कंप्यूटर ने अपने आप को IP वर्जन 6, यू का IP वर्जन 6 दे लिया, मगर ये वाला जो पोर्शन है ये तो कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो ये जो प्रीफिक्स ऑप्शन है इस कॉल्ड अ नेटवर्क प्रीफिक्स ऑप्शन फाइंड आउट करता है, उसके लिए ये ब्रॉडकास्ट करता है, और जो आपके नेटवर्क का राउटर होता है, और शर्त ये है कि वो IPv6 अवेयर होना चाहिए, उसके पास नेटवर्क प्रीफिक्स कन्फिगर हुआ होता है, तो वो इस PC को इसको नेटवर्क प्रीफिक्स दे देता है, तो इसके पास नेटवर्क प्रीफिक्स भी आ जाता है, और ये इसने जो सेल्फ जनरेटेड हाफ बिट ऑफ द आईपी एड्रेस उसने खुद बनाया हुआ होता है, सेल्फ जनरेट करता है ये, ठीक है। नॉर्मली ये जो आईपी एड्रेस ये जो बनाता है ये इसका उसे क्या कहते हैं, मैक एड्रेस से जनरेट करता है, ठीक है, तो उसको नेटवर्क प्रीफिक्स उसका राउटर दे देता है, और बाकी जो आईपी एड्रेस है वो खुद बना लेता है, और ये ओवर द नेटवर्क जितने भी नेटवर्क के अंदर मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर लोग होते हैं सबका यूनिक होता है, सिर्फ नेटवर्क प्रीफिक्स ऑप्शन एक दूसरे से मिला होता है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन DNS सर्वर किधर है, विन सर्वर अगर है तो किधर है, और बाकी इन्फॉर्मेशन के राउटर डिफॉल्ट गेटवे किधर है तो वो किधर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका DHCP सर्वर देता है, मगर इस केस के अंदर स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन के स्टेज के अंदर आपका PC DHCP सर्वर से IP एड्रेस नहीं ले रहा होता, खुद जनरेट करता है, और नेटवर्क प्रीफिक्स उसको आपके नेटवर्क पे पड़ा हुआ राउटर जो कि IPv6 अवेयर होता है वो दे रहा होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस। स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन क्या कि सारा कुछ मुझे मेरे DHCP सर्वर से मिल रहा है, उसके अंदर ये फिर IPv6 अवेयर राउटर नहीं जरूरत होता। आई डोंट नो वेयर टू यूज इट, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम नॉर्मली DHCP सर्वर से देते होते हैं। न्यू फीचर कॉन्टिन्यूस नैप नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है, पॉलिसी लगा दी कि भाई अगर इसके पास जो सा है एंटीवायरस चल रहा है तो हम इसे नेटवर्क पे आने देंगे, उसके बगैर नहीं आने देंगे, ये आप अपने DHCP सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सर्वर कोर के अंदर DHCP सर्वर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है, कमांड्स हैं जिससे आप DHCP सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और कोर ऑप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि कोर सर्वर को यूज़ करने के लिए कि लेस लाइन ऑफ कोड से वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, और अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, लेस अटैक सरफेस है, अटैक सरफेस कम हो जाती है, ठीक है। अगला अगला टॉपिक राउटिंग क्या है, मगर राउटिंग पे जाने से पहले मैं आपको क्विकली जो है वो सर्वर पे DHCP सर्वर इंस्टॉल करना दिखा बता दूं, मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर जस्ट जस्ट टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। तो बिफोर यू बिगिन नेक्स्ट, और यहाँ पे DHCP सर्वर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, DHCP सर्वर ही हमने ऑलरेडी किया हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट। वो मेरे से पूछ रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन कौन से नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर DHCP सर्वर इनेबल करना है, मैंने कहा यहाँ पे कर दे, पेरेंट डोमेन कौन सी है, प्रेफर्ड DNS सर्वर आईपी एड्रेस, DNS सर्वर का आईपी एड्रेस मैं इसको वैलिडेट भी कर सकता हूँ, अननोन है, मैं इसको कहता हूँ कि भैया आप ये कर दो, चलो ये खुश रहेगा, इसी को कहा ये खुद ब खुद ही आईपी एड्रेस है। विंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन, विंडोज़ का नेटबायोस ऑप्शन के लिए आप लोगों को अब तक पता चल जाना चाहिए, ये आप ना भी दें तो बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, DHCP स्कोप, स्कोप आप बाद में भी बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो, एड स्कोप, स्कोप नेम, स्टार्ट आईपी एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस, सबनेट टाइप, वायर्ड है या वायरलेस है, किस तरह के यूजर्स को देना है, ठीक है, कन्फिग्रेशन दैट प्रोपिगेट टू DHCP क्लाइंट के सबनेट मास्टर डिफॉल्ट गेटवे के ऑप्शन, ठीक है, ये हम लोग बाद में भी दे सकते हैं। DHCP वर्जन 6 स्टेटलेस मोड एनेबल IPv6 स्टेटस मोड फॉर दिस सर्वर, ठीक है, IPv6 क्लाइंट वुड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर विदाउट यूजिंग द DHCP सर्वर, जिस तरह मैंने आपको बताया स्टेटलेस मोड, डिसेबल स्टेटलेस मोड फॉर दिस सर्वर आफ्टर इंस्टॉलिंग DHCP सर्वर, यू कैन कॉन्फ़िगर अ DHCP वर्जन 6 मोड यूजिंग DHCP मैनेजमेंट कंसोल, क्या स्टेटलेस के अंदर क्लाइंट खुद ही आईपी एड्रेस बनाएगा, हमने कहा नहीं, हमने क्लाइंट को नहीं देना, हम स्टेटलेस मोड डिसेबल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद ही स्टेटलेस मोड कॉन्फ़िगर करें। नेक्स्ट,
करंट क्रेडेंशियल्स, कौन से क्रेडेंशियल्स के तहत आपने उसको ऐड करना है, क्योंकि DHCP सर्वर की ऑथोराइजेशन एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर करनी होगी। अगर एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथोराइज नहीं है तो जो कंप्यूटर ने डोमेन ज्वाइन की उन्हें वो IP एड्रेसेस नहीं देगा, ठीक है। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है, DHCP की कन्फिग्रेशन और इंस्टॉल। मुझे लगता है यहाँ पे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि ये सर्वर थोड़ा सा स्लोअर है, क्योंकि ये मेरे 512 MB की रैम के ऊपर चला रहा हूँ। तो आपको वापस मिलते हैं, अभी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ। वेलकम बैक, एंड DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, क्लोज कर दिया। और ये हमारा जो सा DHCP सर्वर जो सा है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अब हमें जो सा है वो अपना सर्वर मैनेजर का एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ता है। आइडियली जो सा है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सर्वर मैनेजर को एक दफ़ा क्लोज करके ओपन कर लें, ठीक है। क्लोज करके ओपन कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करना चाहते, आपको पसंद नहीं है ये क्लोज ओपन वाला चक्कर, तो आप यहाँ से DHCP सर्वर जो सा है डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली भी DHCP सर्वर ओपन करूँ तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मुझे दोबारा वीडियो पास तो नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका DHCP सर्वर आ गया जनाब। अच्छा, अगर आपने मल्टीपल DHCP सर्वर ऐड करने, लाइक अभी इसी कंसोल के अंदर 3-4 DHCP सर्वर हैं, तो ऐड सर्वर करके और आप उस सर्वर का IP एड्रेस नेम जो भी देना चाहते हैं, server2urduitacademy.com ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब ये वाला मेरा सर्वर है, और ये देखिए आपके पास अभी IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों आ गए, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने स्कोप्स या क्या कुछ बनाने हैं, ठीक है। सर्वर ऑप्शंस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं मल्टीपल ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं इसे बताना चाहता हूँ, तुम्हारे राउटर का IP एड्रेस है तो ये है, टाइम सर्वर का एड्रेस है ये, मगर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। DNS डोमेन नेम, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर उनमें से आधे ऑप्शन मुझे इस टाइम नहीं पता, हमने जब भी कॉन्फ़िगर करने होते हैं हमने गूगल करने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने स्कोप बनाना है तो राइट क्लिक, ऐड न्यू स्कोप, स्कोप बनाएंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और नेम देंगे, ठीक है, टेस्ट स्कोप, ठीक है, Lecture 3, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग IP एड्रेस 192.168.1.2, से मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, 192.168.1.100 तक, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे ये एक्सक्लूजन रेंज, अगर आप इसके अंदर कोई एक्सक्लूजन करना चाहते हैं, यानी आपके सबनेट के अंदर कहीं सर्वर्स हैं, ठीक है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। 8 दिन की लीज टाइम है, आप इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगर दो स्कोप ऑप्शंस, मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू, इफ़ आई वांट टू तो फिर वही कि राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे और ये सारा कुछ मैंने नहीं करना, ठीक है, फिनिश। अब आपने स्कोप बना दिया, मैं स्कोप एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके एक्टिवेट द स्कोप करूँगा, स्कोप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स, अगर किसी ने IP एड्रेस लिए हैं, अवेलेबल 99 IP एड्रेसेज हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ है। स्प्लिट स्कोप, स्कोप को स्प्लिट करना है, ठीक है। एडिशनल DHCP सर्वर आर द 70% IP एड्रेसेस वहाँ दे दो। मेरे पास अभी सर्वर नहीं है, सही मैं कहता हूँ server2 एड सर्वर, मगर उसके पास सर्वर नहीं है इस वजह से, अदरवाइज आप जो सा है वो दूसरे सर्वर को हाफ ऑफ द स्कोप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपके पास एक बड़े से, हमारे पास कितने स्कोप्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो 100+ स्कोप्स हैं हमारे पास एक सर्वर के अंदर, ठीक है। तो एक DHCP सर्वर के 100 स्कोप्स के 30 या 40% जो से स्कोप के जो IP एड्रेसेस हैं वो हमने स्प्लिट किए होते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड सर्वर। देखिए अभी आपके पास सर्वर नहीं है तो आपने इसे नेक्स्ट नहीं करना, इस वजह से यहाँ पे फंस गया, तो मैं इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये एड्रेस पूल आ जाता है, ठीक है। अगर आपने रिजर्वेशन करनी है, ठीक है, कि आप मैक एड्रेस के अगेंस्ट रिजर्व कर दो कि यार इस बंदे को यही IP एड्रेस मिले, से फॉर एग्जांपल सर्वर्स के एनवायरनमेंट में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। नॉर्मली सर्वर का पूल ही बाहर रखते हैं हम, DHCP में डालते ही नहीं, मगर कभी आपने रिजर्व करना, से फॉर एग्जांपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मैंने फायरवॉल को बताया हुआ कि फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर का IP एड्रेस 192.168.1.10 ही होगा, ठीक है। तो आप उस फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर के PC का मैक एड्रेस लेके और यहाँ पे डाल देंगे ताकि कोई और एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन ना हो सके। स्कोप ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद फिल्टर्स में आ जाते हैं। फिल्टर्स में, फिल्टर्स क्या हैं, DHCP सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एनी मैक एड्रेसेज इन द लिस्ट, ठीक है, डिनाई कर देंगे तो वो फिल्टर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। इसी तरह IP वर्जन 6, इसके अंदर भी स्कोप बना सकते हैं आप, ठीक है, न्यू स्कोप, और यहाँ पर भी एक स्कोप बना देते हैं, ठीक है, IPv6 स्कोप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन स्कोप 1, ठीक है, नेक्स्ट,
एफ डी डबल ज़ीरो, ठीक है, ठीक हो गया। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस और एंडिंग आईपी एड्रेस देना है, एक्सक्लूजन देनी है, मैंने कहा नहीं देनी, ठीक है। प्रेफर्ड लाइफ टाइम 8 डेज, वैलिडिटी लाइफ टाइम, ठीक है। नॉन टेम्परेरी एड्रेस ही रहेंगे, ठीक है, IANA के स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। और एक्टिवेट द स्कोप नाउ, मैं इस स्कोप को एक्टिवेट कर सकता हूँ, और जनाबे वाला ये स्कोप आपका एक्टिवेट हो गया। स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये देखें IPv6 के एक सबनेट के अंदर आपको इतने आईपी एड्रेस देंगे, कितने हैं यूनिट, 100,000, 10,000, एंड मेरी इधर से आगे ख़त्म हो जाती है गिनती, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह IPv6 का स्कोप बन गया, ठीक है। इसी तरह स्कोप के अंदर ऑप्शन और सारा कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के जो सारे लोग हैं उनके नेटवर्क बंद हो जाए, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ योर DHCP सर्वर वर्क्स। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो सा हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मगर उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप उस टॉपिक को अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी बुक ने उसे इतना डिटेल स्टडी नहीं करवाया, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, क्योंकि वो सिस्को से रिलेटेड स्टडीज़ हैं। तो अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सिस्को के वो लेक्चर पॉइंट आउट कर दूंगा, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप मेरे साथ वेट करें, मैं अभी आपको वो लेक्चर्स बताता हूँ। वेलकम बैक। और अगर आप ICND 1 की सीरीज़ के अंदर जाएं तो इंट्रोडक्शन टू राउटर एंड राउटिंग, राउटर क्या होता है और राउटिंग कैसे करता है, आपने एक तो ये लेक्चर पढ़ लेना है, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे देगा। और उसके बाद आपने राउटिंग पार्ट 1 स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउट, राउटिंग पार्ट 2 मैंने बहुत डिटेल में बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया है। उसके बाद आपने वापस वीडियो लाइब्रेरीज में चला जाना है और ICND पार्ट 2 के अंदर, ये आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ मगर आप पढ़ना चाहे तो, इंट्रोडक्शन टू राउटिंग, रिप लूप्स एंड प्रिवेंशन, दैट्स इट, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 बन जाता है। ये तीन लेक्चर्स अगर आप पढ़ लें तो आपको मोस्टली राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं अपनी स्लाइड पे चलता हूँ, मगर मैं आपको बेसिक राउटिंग आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। राउटिंग क्या है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, 10.1.1.10 और 10.1.1.11 और ये जो से /24 के नेटवर्क्स हैं, /24। अगर आपने जिस तरह मैंने जब मैंने आपको आईपी एड्रेसेस के में पढ़ाया था /24 के बारे में, अगर आपको वो याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो बस मैं इतना आपको अभी याद दहानी कराना चाहता हूँ कि /24 का मतलब 8+8+8, इतना मेरा नेटवर्क आईडी है, ठीक है। और जब ये दो आईपी एड्रेसेस का आपस में ये मैच हो रहा होता है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो विद इन अ नेटवर्क अगर ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर है इसको इससे बात करनी होती है, और ये जो सा है एक आर्प की ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है, और स्विच जो सा है वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं होता। और जब स्विच ये पीसी जो सा ये देखता है ये मेरे से मैक एड्रेस मांग रहा है तो ये रिप्लाई करता है और इस पीसी को मैक एड्रेस मिल जाता है, और फिर ये लेयर 2 के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेयर 2 की डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक दूसरे के मैक एड्रेसेस चाहिए होते हैं। अब होता क्या है कि इस कंप्यूटर ने इधर दूसरे पड़े हुए कंप्यूटर से बात करनी होती, अब जब इनकी नेटवर्क आईडीज देखी जाए तो ये मैच नहीं कर रही होती, ठीक है, ये देखो दोनों की जो आईपी एड्रेसेस हैं वो मैच नहीं कर रहे होते। और आईपी एड्रेसेस कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है, जो कि नेटवर्क लेयर है, ठीक है। अब जब ये इन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो ये पीसी इस स्विच को रिक्वेस्ट करता है, मगर स्विच इज लेयर 2 कैपेबल, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें बीच में क्या चाहिए होता है, एक लेयर 3 कैपेबल डिवाइस। और लेयर 3 कैपेबल डिवाइस का एक आईपी एड्रेस जो मेरे नेटवर्क में है वो मुझे कहता है, यानी मेरे DHCP सर्वर ने मुझे वो आईपी एड्रेस दिया हुआ है। जब हम DHCP सर्वर से कनेक्ट हुए तो इस DHCP सर्वर ने यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारा एक DHCP सर्वर था, उसने बताया कि अगर तुमने इस सिटी से बाहर जाना हो, क्योंकि तुम्हारी क्लासरूम का वो स्टूडेंट नहीं है, तुम दोनों में से किसी ने भी इस सिटी से बाहर जाना हो तो तुमने ये रिक्वेस्ट किधर भेजनी है, ठीक है, 10.1.1.1, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट 10.1.1.1 के पास जाएगा तो राउटर अपने एक टेबल में देखेगा, राउटर के पास एक छोटा सा टेबल होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि अगर मैंने सरगोधा से लाहौर जाना है तो मैंने कौन सा रास्ता यूज़ करना है, ठीक है, अगर मैंने सरगोधा से कराची जाना है तो कौन सा रास्ता यूज़ करना है, अगर मैंने सरगोधा से इस्लामाबाद जाना है तो कौन सा रास्ता यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन होती है,
ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट राउटर को भेजता है, राउटर को पता है कि राउटर की एक साइड पे 10.1.1.1 है और दूसरी साइड पे 10.2.1.1 है, तो वो उसके पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखता है और उसको वहां भेज देता है। ये अगर आप राउटिंग का वो जो मेरा लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि पैकेट कैसे देखता है, उसे लुकअप कैसे करता है। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है आपका राउटर जो है आपको पाथ देता है वो डेटे को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, कि आपका डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, और वो जो पाथ जो वो चूज करता है राउटर, वो यूजिंग अ राउटिंग टेबल यूज कर रहा होता है। ठीक है, राउटिंग टेबल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक और नेटवर्क लग गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस राउटर को इस नेटवर्क का भी पता है, इस नेटवर्क का भी पता है, इस नेटवर्क का भी पता है, मगर इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता। ठीक है, अब इस राउटर को, ये जो मेरा राउटर वन है और ये राउटर टू है, इस राउटर को, राउटर वन को मैं 10.4.4. का नेटवर्क का कैसे बताऊंगा और इस राउटर को इधर पड़े हुए नेटवर्क का कैसे बताऊंगा, क्योंकि इस राउटर से तो डायरेक्टली अटैच्ड ये है और ये है। ठीक है, अगर आप लोग में से जो लोग से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से हैं उन्हें अंदाजा होगा, जो पाकिस्तान से बाहर से उनके लिए एग्जाम्पल बना लेता हूँ, से किसी ने कहा कि मैंने मिडिल ईस्ट जाना है, तो हमें पता है मिडिल ईस्ट जाने के लिए दुबई या इस तरह के किसी कंट्री जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ठीक है, इसी तरह तो राउटर्स के लिए क्या होता है कि राउटर को हमें बताना पड़ता है कि अगर आपने 10.1.1.1 के नेटवर्क पे जाना है, तो आप ये पैकेट जो है 10.3 यानी कि राउटर वन के पास फेंक दें, और राउटर वन जानता है इस इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन हम राउटर्स को कैसे बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम राउटर को या मैनुअली बता सकते हैं, मैनुअली बता सकते हैं, या हम उनके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल चला देते हैं, ये ऑटोमेटेड वे है। मगर इस ये जो से हैं ये राउटर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लेंगे, और मैनुअल वे के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपका नेटवर्क इतना सा है जितना इस डायग्राम में बताया, फिर कोई मसला नहीं है। आपने इस राउटर को बताना है कि राउटर को ये तो पता है कि 10.3 इधर है, 10.4 इधर है, राउटर को 10.2 और 10.1 का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे मैनुअली 10.1.1.x और 10.2.1.x बता दूंगा कि भैया ये दोनों लेके जाने के लिए तुम्हें जो सा है राउटर वन के पास जाना है। ठीक है, और इसको, इसके अंदर सिर्फ एक एंट्री डालूँ क्योंकि इसके साथ ये तीनों जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड का तो पता होता है, मगर अगर मैंने कहा 10.4.4.x पे जाना है, तो मैं लेके जाता हूँ इसे राउटर टू के पास, ये तो ठीक हो गया। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि इस राउटर के पीछे एक राउटर लगा हुआ और उसके पीछे तीन नेटवर्क चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक दो तीन एंट्रीज डालनी पड़ेगी, और इस बात की क्या गारंटी इसके पीछे एक और राउटर लगा हुआ और उसके पास दो दो नेटवर्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो तीन एंट्रीज और डालनी, तो ये बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, वो खुद ब खुद ही एक दूसरे से बातचीत करके, हाँ भाई तुम्हारे पीछे क्या है, ये सारा कुछ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मगर उनको मैनेज करने के लिए आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर हायर करना पड़ता है। ठीक है, जिसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मली उस तरह के लोगों ने CCNA मिनिमम किया होता है। ठीक है, इसके बाद इस डायग्राम के अंदर एक और चीज़ है, इस कॉल्ड एन इंटरनेट। ठीक है, ये आपका इंटरनेट आ गया। ठीक है, अब इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पे तो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैं इस राउटर को कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा पैकेट आता है जो 10.4 पे जाना चाहे, उसे यहाँ भेज दो, 10.3 को यहाँ पे, 10.2 को यहाँ पे, 10.1 को यहाँ पे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी पैकेट आए जिसका तुम्हें कुछ ना पता हो, तुमने उठाना और सीधा इंटरनेट पे भेज देना। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसे राउट को, जो मैं राउटर को ऐसी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, 0.0.0.0 को डिफॉल्ट राउट कहते हैं। ठीक है, कि भाई यार बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो सी है ना, वो उठा के वहां फेंक दो, इस सॉर्ट ऑफ अ डिफॉल्ट राउट, कि तुम्हें कुछ नहीं पता। से फॉर एग्जाम्पल, अगर सरगोधा से किसी ने कहीं भी जाना है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई लाहौर यहाँ, इस्लामाबाद यहाँ, फैसलाबाद यहाँ, बाकी ये, बाकी सारा कुछ मोटरवे पे फेंक दो, बाकी वो मोटरवे जाने तो जाने, पहुंचाए पहुंचाए, नहीं पहुंचाए तो ना पहुंचाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं डिफॉल्ट राउट। तो आप लोगों को यानी राउटिंग का थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि राउटर जो सी लेयर 3 की डिवाइस है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज मौसूल हुआ, मैं बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, मुझे काफ़ी दफ़ा बहुत लोगों ने क्रिटिकली कहा कि आप डांटते ज़्यादा हैं। तो वो लड़का जो सा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि सर अगर मेरे पास, आप लोगों को पता ही है क्या है, फिजिकल लेयर है, और मेरा जो राउटर है वो पांचवी लेयर पे काम करता है, पहले तो उसकी गलती ये कि वो राउटर को पांचवी लेयर पे काम करा रहा है, 1 2 3, राउटर जो है लेयर 3 पे काम कर रहा होता है। ठीक है,
अगर किसी कंप्यूटर ने, वो कहता है अब सर अगर एक कंप्यूटर ने पैकेट भेजा लेयर टू पे, ठीक है, वो उसको लेयर टू नहीं समझ रहा, मसला ये है, वो अगर किसी ने पैकेट, कंप्यूटर ने पैकेट भेजा स्विच पे और स्विच के बाद वो पैकेट लेयर थ्री पे चला गया यानी राउटर पे चला गया, तो वो राउटर ने कैसे खोल लिया कि पहले वो सेवन पे गया फिर टू पे गया फिर थ्री पे, उसको ये बात नहीं समझ आ रही, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो उसका जवाब ये है कि आपने जब कंप्यूटर पे काम किया तो कंप्यूटर ने वो पैकेट बनाया उन सातों की सात लेयर्स पे और वो पैकेट जो सा इसी तरह यहाँ पे आया, उसमें सात लेयर्स की सात लेयर्स हैं, मगर स्विच जो सा है वो सिर्फ लेयर टू तक उसे खोल के पढ़ सकता है, स्विच उसका लेयर टू पढ़ेगा और उस हिसाब से उसे प्रोसेस कर देगा, मगर जब वो पैकेट लेयर्स उस राउटर के पास पहुँचेगा वो वही पैकेट होगा जो ये यहाँ से चला था, वो यहाँ से चला था, यहाँ से चला था, ये पैकेट ए ही है, मगर स्विच उसे यहाँ से खोल के पढ़ सकता है और राउटर उसे यहाँ से खोल के पढ़ सकता है, राउटर उसे लेयर थ्री से खोलेगा, ओपन करेगा, उस पर डिसीजन मेकिंग करेगा और उस पैकेट को अप्रोप्रिएटली ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो आपने इस तरह कन्फ्यूज नहीं होना कि लेयर टू पे काम कर रहा है तो पैकेट लेयर टू तक ही चलेगा, कुछ इस तरह की उसे उससे कन्फ्यूजन थी, वो मैं भी नहीं समझ सका, तो मैंने कहा आप लोगों को ये यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो पैकेट की कंप्यूटर से चलता है वो उसी तरह ही होता है, उस पैकेट को जो है वो स्विच उस लेयर पे खोलता है, राउटर दूसरी लेयर पे खोलता है, वो राउटर उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहता है तो वो कर देता है, मगर वो ऊपर की लेयर्स को हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह फायरवॉल जो सी हैं वो ओपन करती हैं, वो डिपेंड करता है किस किस्म की फायरवॉल है, मैं आप लोगों को उस डिबेट में नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं। एनीवे, हाउ डज अ हार्डवेयर राउटर लुक्स लाइक? हार्डवेयर राउटर तो कुछ यूं का नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये जितना मैं भी आप लोगों को बता रहा था कि राउटर के एक साइड पे जो सा है लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है और फैसलाबाद है, एक्चुअली ये वो नहीं है मगर मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, हार्डवेयर राउटर, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी सिस्को की और हार्डवेयर की टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमें एमसीआईटीपी में क्यों पढ़ाई जा रही है? एमसीआईटीपी में जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर है उसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। ठीक है, और उसमें ये ज्यूम किया जाता है कि ये जो राउटर है, ये जो चीज़ राउटर है, ये आपका हार्डवेयर राउटर नहीं है, ये आपने यानी एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर दो लैन कार्ड लगाए हुए हैं, एक लैन कार्ड जो सा है वो इधर वाले राउटर से कनेक्टेड है, एक लैन कार्ड इधर स्विच से कनेक्टेड है और एक लैन कार्ड जो सा है यहाँ पे पड़े हुए स्विच से कनेक्टेड है। मेरी डायग्राम बहुत गंदी होगी, एक सेकेंड, आपके पास ये सर्वर है, सर्वर का एक लैन कार्ड, दूसरा लैन कार्ड और तीसरा लैन कार्ड। ठीक है, ये 10.2 से कनेक्टेड है, ये 10.1 से और ये 10.3 से, और आपका राउटर जो सा है वो राउटिंग वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कितने एनवायरमेंट्स में ये चल रहा है, ट्रस्ट मी, मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है, हमें एक दफ़ा बहुत मस्कीन सी कंपनी में मैं काम करता था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो हमने उस मशीन को उठा के बनाया था और वो विंडोज़ 2000 थी, विंडोज़ 2000 के सर्वर को हमने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर की हुई थी। इंस्टॉलिंग राउटर देखेंगे, ठीक है, स्टैटिक राउट उसके अंदर देखेंगे, परसिस्टेंट राउट देखेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बल्कि उसके उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताता चलूं। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल जैसा मैंने पूछा जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, आपको ये बताता चलूं कि OSPF, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, सपोर्ट ही नहीं होता। ठीक है, यानी विंडोज 2008 ने इसकी सपोर्ट खत्म कर दी है, 2003 2002 के अंदर थी सपोर्ट, अगर आप किसी 2003 सर्वर को 2008 पे अपग्रेड कर रहे हो और अगर आपने अपने जो विंडोज़ की मशीन है उसे एज अ राउटर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 2008 में OSPF की सपोर्ट नहीं है, रिप सपोर्टेड है। रिप काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल है 1988 का, मगर उसमें काफ़ी एडिशंस आई हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 1 में वो स्प्लिट होराइजन लूप्स और ये वाली चीज़ें आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की हुई, मगर जो मैंने लेक्चर वो जो अभी आप लोगों को बता रहा था सिस्को के, उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि लूप्स होते क्या हैं, लूप अवॉइडेंस टेक्निक्स क्या होती हैं और सारा कुछ। ठीक है, तो क्विकली लैब करते हैं, ठीक है, कि हम एक कंप्यूटर का राउटर बनाते हैं और उस राउटर के अंदर ना क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह रोल्स के अंदर जाएंगे और हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड अ रोल, नेक्स्ट, और आप यहाँ पे अगर राउटिंग एक्सेस सर्विसेज देख रहे हैं तो राउटिंग एक्सेस सर्विसेज नहीं होगी या कोई राउटिंग नहीं, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज होंगी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएंगे और इधर से नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, तो ये देखें अब आपके पास ये फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज ये हम पढ़ेंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, राउटिंग हमें चाहिए, ठीक है, और राउटिंग के साथ आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और इंस्टॉल, ये आपकी राउटिंग इंस्टॉल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करूंगा क्योंकि ये राउटिंग सर्विस इंस्टॉल होने में टाइम लेंगी। वेलकम बैक, और ये देखें आपकी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज जो सी है वो इंस्टॉल हो गई हैं, तो इसको नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, ठीक है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज
गो के ये इंस्टॉल हुई है मगर ये डिसेबल हुई हुई है, तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा और इसमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये स्नैपिन अभी थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। ठीक है, टू सेटअप अ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस क्लिक कॉन्फ़िगर इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे हम इसे, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज क्लिक किया। सो जाए, सो के उठेंगे फिर ये तब तक आ चुका होगा। ठीक है, अब हम विजर्ड में आ गए। ठीक है, ये विजर्ड जो सा है ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज का सेटअप विजर्ड है। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, ये नेट पैट और वीपीएन। ठीक है, हमने ये सारा कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने सिर्फ कस्टम कन्फिग्रेशन करनी है। कस्टम कन्फिग्रेशन में जाके वो पूछ रहा है कि क्या कन्फिग्रेशन करनी है, वीपीएन एक्सेस बनानी है, इसे एज अ वीपीएन सर्वर बनाना है, डायल अप एक्सेस बनानी है, नेटिंग करवानी है। ठीक है, हमने कहा जी हमने लैन राउटिंग करवानी है सिर्फ, क्योंकि हम इसे एज अ राउटर बना रहे हैं। ठीक है, वो जो गोल सा राउटर मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा रहा था वो बना रहे हैं। ठीक है, और लैन राउटिंग फिनिश कर देंगे, वो इनेबल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगी, मैं तो क्विकली वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट सर्विसेज, और हमने ये सर्विसेज स्टार्ट कर देनी है। आपको यहाँ ग्रीन कलर का आइकन बना हुआ आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर मैं आप लोगों को उस तक लेके जाने के लिए आपको एक दो चीज़ें क्विकली बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इधर से ही कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ कि अगर आपने राउटर को आईपी एड्रेसेस देने हैं या राउट्स देने हैं तो आप जो सा है कमांड प्रॉम्प्ट से राउट दे सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर मैंने इस राउटर को बताना है कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता जो सा उसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ने दिया और एक रास्ता मैंने जो सा स्टैटिकली बताया हुआ है, तो वो रास्ता फॉलो करेगा जो मैंने उसे स्टैटिकली बताया हुआ है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे राउटर के अंदर राउटिंग टेबल क्या है, तो मैं सिर्फ राउट प्रिंट की कमांड करूँगा और वो मुझे ये सारे राउट्स दिखा देगा। ठीक है, ये आईपी वर्जन 4 के राउटिंग टेबल है। ठीक है, मेरे ख्याल में डैश 4 की कमांड लगाते हैं। ठीक है, कि 0.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने यहाँ जाना है। ठीक है, 192.168.1 के नेटवर्क पे, 127 के नेटवर्क पे जाने के लिए, और ये परसिस्टेंट राउट है। परसिस्टेंट राउट का मतलब स्टैटिक राउट जो कंप्यूटर में स्टिक रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को रीबूट भी करवा दें तो वो राउट वहीं पर रहेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट राउट। अगर आपने एक परसिस्टेंट राउट अपने पास ऐड करना है तो क्या करेंगे आप उसके अंदर जो सा है मैन्युअली राउट ऐड करेंगे। राउट ऐड करने की क्या कमांड है, राउट ऐड माइनस पी। अगर आप ये माइनस पी की कमांड नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और राउट डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस पी की कमांड लगा देता हूँ। माइनस पी कौन से नेटवर्क पे जाना है, से मैंने कहा 10.0.0.0 और उसका मास्क दे दिया, मास्क 255.0.0.0, और उसको एक आईपी एड्रेस दे दूं कहाँ पे फेंकनी है ट्रैफिक। ठीक है, कि अगर मैंने इस नेटवर्क पे जाना है तो मैंने कहाँ जाना है, मोटरवे पे जाना है या कहीं और जाना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा 192.168.1.1। ठीक है, ये परसिस्टेंट राउट हो गया। अब आप अगर राउट प्रिंट की कमांड चलाएं तो ये आपको देखें परसिस्टेंट राउट दिखा रहा है कि 10 पेन ये नेटवर्क पे जाने के लिए मैंने कहा कि भैया ये राउट जो सा है ये ट्रैफिक जो सी है वो इस आईपी एड्रेस पे भेज दी जाए, यानी डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपको मैं स्लाइड दिखाऊं तो ये वाली ट्रैफिक कि ये 2010.2 के नेटवर्क पे जाने के लिए ट्रैफिक किधर भेजनी है, मैंने यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इस तरह आप स्टैटिक राउट एंटर कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका भी है राउट्स को एंटर करने का, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह एक और कमांड जो सी हम लोग यहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं वो है फ्रिसर्ट की। ये ट्रिबल शूटिंग की कमांड है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में जाके बताऊंगा क्योंकि ये अभी अभी जरूरत नहीं है, मैं ट्रिबल शूटिंग के सेक्शन में, यानी अभी एक दफा आपको स्टैटिक राउट्स दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल
अच्छा जी, अब मैं आपको जो सा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि स्टैटिक राउट्स कितने हैं हमारे पास या राउटिंग टेबल देखना चाहें, तो ये आप राइट क्लिक करें और ये आपके पास सामने राउटिंग टेबल आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर, अब हम इस राउटर के ऊपर, हमने स्टैटिक राउट्स तो डाल दिए, हम इस राउटर के ऊपर जो सा है ना राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल रिप। ठीक है, रिप कैसे चलाएंगे कि हम जो सा है उसके ऊपर रिप एनेबल करेंगे और रिप रन होना शुरू हो जाएगा और रिप ऑटोमेटिकली जो सा है अपडेट उठा उठा के लेकर आएगा। रिप कैसे काम कर रहा होता है, ऐसे क्विकली मैं आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एम्प्टी स्लाइड है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंक इरेज करता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे पास, अगर आप वो रिप का जो लेक्चर है ना वो पढ़ेंगे तो फिर बड़ी डिटेल से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क लग रहा है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क लग रहा है। अब 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मैं इसको यहाँ पे भेजूँ, यहाँ पे और ये यहाँ पे। दूसरा रास्ता कौन सा है, ये जितने राउटर से हॉप करके जाएगा दैट इज कॉल्ड हॉप काउंट। तो ये वाला जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड टू हॉप काउंट्स। ठीक है, वन टू, और ये कितना है, वन हॉप काउंट। ये टू हॉप काउंट का रास्ता है और ये वन हॉप काउंट का। तो बेटर रास्ता कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये दोनों रास्तों को जज करेगा। ठीक है, और उसमें से जिसमें मिनिमम हॉप्स होंगे उस रास्ते को प्रेसिडेंस दे देगा, और अगर ये रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वो मुझे अल्टरनेट रास्ते से यानी टू हॉप काउंट वाले रास्ते से ट्रांसफर करना शुरू करेगा। दिस इज़ हाउ आवर राउटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली वर्क। ठीक है, अब वो राउटिंग प्रोटोकॉल जिस तरह मैंने आपको बताया कि OSPF तो सपोर्टेड नहीं है, मेरे पास सिर्फ जो है रिप है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करूँगा क्योंकि अभी बाई डिफॉल्ट जो है राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं IP version 4 में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल, और यहाँ पे RIP version 2। ठीक है, 2003 के अंदर जो है, 2003 या 2000 के अंदर मेरे पास RIP version 2 के अलावा OSPF का ऑप्शन भी आता था। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके ओके कर दूंगा और ये मेरे पास देखें यहाँ पे रिप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी अब मैं RIP version राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल version 2 को यूज़ कर सकता हूँ, मगर ये अभी रन नहीं हुआ। रन करने के लिए मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा स्पेसिफिक इंटरफेसेस के ऊपर। ठीक है, न्यू इंटरफेसेस, और से फॉर एग्जांपल कह दिया मैंने इसको कि भाई ये मुझे जो सा है लोकल एरिया कनेक्शन इस पे इनेबल कर दिया जाए। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑपरेशन मोड क्या है, पीरियोडिक अपडेट मोड, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सा है इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहे। मैंने कहा ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। ऑटो स्टैटिक अपडेट, ठीक है, ऑटो स्टैटिक अपडेट क्या कि स्टैटिकली अपडेट हो रही है। ठीक है, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट जाने देंगे। RIP version 2 ब्रॉडकास्ट मोड, RIP version 1 ब्रॉडकास्ट मोड इज नॉट सजेस्टेड। ठीक है, मल्टीकास्ट मोड कि अगर आपका नेटवर्क मल्टीकास्ट है तो ये दो राउटर्स, ठीक है, दो राउटर्स बोले तो कि ये वाले राउटर पे भी मैंने रिप एनेबल किया है, ये खाली इस पे रिप एनेबल करके नहीं होगा, इस पे और इस पे, इन तीनों पे रिप एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और ये आपस में एक दूसरे को बताएं, हाँ भाई मेरे साथ, मेरे पास 10 का नेटवर्क है, मेरे पास जी से फॉर एग्जाम्पल इधर या 30 का नेटवर्क लगा हुआ, इधर 40 का नेटवर्क लगा, ये तो एक दूसरे को बताते रहेंगे। ठीक है, और ये रिप प्रोटोकॉल जो है ना बहुत चैटी किस्म का प्रोटोकॉल है, ये बहुत इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। मैं इस पर थोड़ा सा फास्टर इसलिए गुजरूँ कि ये जो सी है ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई है। ठीक है, तो से साइलेंट रिप क्या होता है कि ये सिर्फ सुनता रहता है और कुछ नहीं करता, उससे इंफॉर्मेशन लेके अपने पास स्टोर करता रहता है मगर बताता नहीं है किसी को। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो मगर आइडली RIP version 2 ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इनकमिंग पैकेट प्रोटोकॉल, कौन कौन से इनकमिंग पैकेट प्रोटोकॉल हैं, RIP version 1 से रिसीव करना है, RIP version 1 and 2 से रिसीव करना है या सिर्फ RIP version 2 से रिसीव करना है। ठीक है, एडिट कॉस्ट टू द राउट, ये थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है मगर अगर आपके पास कोई राउट आता है तो आप उसके ऊपर कुछ कॉस्ट ऐड कर लेते हो। आप कहते हैं नहीं यार ये जो यहाँ से लाहौर जाने का रास्ता है थ्रू मोटरवे और थ्रू विदाउट मोटरवे, विदाउट मोटरवे शॉर्टेस्ट पाथ है मगर उसमें खड्डे हैं इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ा दो ताकि कोई उस रास्ते को यूज़ ना करे। एक्टिवेट ऑथेंटिकेशन कि कोई हैकर आके मुझे कहे कि ये सारे नेटवर्क पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ, मैं ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दूँ और मैं पासवर्ड इसमें एंटर कर दूँ, तो जो भी मुझे कोई राउट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताए मैं उसको अपने पास तब तक सेव ना करूँ जब तक वो मुझे अपना एक पासवर्ड ना दे। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑप्शन हैं, ऑल इनकमिंग राउट्स के मैंने तमाम इनकमिंग राउट्स को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लें। फॉर आउटगोइंग राउट्स मैं कहता हूँ यार मेरे इनकमिंग राउट्स के अंदर सिर्फ उन राउट्स को एक्सेप्ट करें जो मैंने लिस्ट में दिए हुए हैं, और से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इनकमिंग राउट्स 20 के नेटवर्क के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना दे क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ 20 के पास जाने के लिए या फॉर एनी अदर रीज़न।
डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आउटगोइंग के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो से है अनाउंस ऑल राउट टू ऑल रेंजेस लिस्टेड, डू नॉट अनाउंस ऑल राउट्स इन द रेंजेस लिस्टेड, ठीक है। कि मैं चाहता हूँ कि मेरा राउटर अपने से कनेक्टेड किसी नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूसरे राउटर्स को या ना दे, ठीक है। इसी तरह नेबर्स यूज़ ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ओनली, कि किस किस्म के ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट को यूज़ करे, या यूज़ नेबर इन एडिशन टू द ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, यूज नेबर इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। कि भाई मैं चाहता हूँ कि ना ब्रॉडकास्ट करे ना मल्टीकास्ट, मैं बताता हूँ सिर्फ इन्हीं नेबर्स के साथ दोस्ती रखे और किसी के साथ। सर माँ बाप कहते हैं कि फलां के बच्चे से दोस्ती रखनी है, ठीक है। तो आपके राउटर को बताते हो कि बस आपने इन दो राउटर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना और किसी राउटर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो उसमें ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट खत्म हो जाती है। फिर ये एडवांस्ड फीचर है, एडवांस फीचर स्प्लिट होराइजन प्रोसेसिंग और ये वो। अगर आप सिस्को के राउटिंग की लेक्चर सुनेंगे तो उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया, आपकी बुक ने इसे टच नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये बहुत चैटी प्रोटोकॉल है, मैं ऐसे कहता हूँ हर 30 सेकंड के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो 30 सेकंड के बाद दे, 60 सेकंड के बाद दे, 80 सेकंड के बाद। नॉर्मली जब आप इस तरह की चीज़ें कन्फिगर कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट में आई वॉन्ट सजेस्ट टच गो इन टू दैट मच डिटेल्स। अच्छा अभी हमने ये से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये स्टैटिक रिप को इनेबल कर दिया, ठीक है, तो मैं अब जो सा है थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग के भी काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये राउटिंग शाउटिंग देख लूँ कि मेरी राउटिंग कैसे काम कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेसट करना है गूगल को, एक कमांड है ट्रेसट कि किस किस रास्ते से मेरी ये ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेसट ट्रेसट google.com, और मुझे ये बता रहा है कि किस किस रास्ते से जो से मेरी ट्रैफिक गूगल तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं ये जो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करने लग जाता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लेना शुरू कर देता है, कहीं पे डीएससीपी डीएनएस सर्वर स्लो होता है, मैं चाहता हूँ यार ये इस तरह की डिलेज जो है ना मेरे पास से बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार ये नेम टू आईपी रेजोल्यूशन जो ये कर रहा होता है अब यहाँ पे नहीं कर रहा, मगर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं इसको एक कमांड देता हूँ, ट्रेसेट माइनस डी, ठीक है। अब ये जो है वो डायरेक्ट जाएगा, नेम टू आईपी रेजोल्यूशन नहीं करेगा, मगर मुझे आईपी एड्रेसेस डायरेक्ट डायरेक्ट ला के दे देगा। आप देख रहे हैं आप उसके साथ आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व नहीं कर रहा, मगर आपको अब इन्फॉर्मेशन जल्दी ला के दे रहा है, ठीक है। और इसको देखते साथ ही आपको पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सी ट्रैफिक जो सी है किस राउटर पर कितनी देर के लिए रुक रही है, यानी ये सारे राउटर्स हैं, ठीक है। इसी तरह एक और ट्रेसेट की कमांड है, ट्रेसेट -6 google.com, ठीक है। ये गूगल को आईपी वर्जन 6 के साथ रिजॉल्व करवा के ला के दे रहा है। तो तमाम आईपी वर्जन 6 के जो आईपी एड्रेसेस हैं ऑन द वे, उन सारों की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको आईपी वर्जन 6 याद हो, ये 2001 किस चीज़ को मेंशन करता है कि आपका जो है पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेसट करते हो या पिंग करते हो किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को, तो रास्ते में यहाँ पे आपको स्टार आ रहे होते हैं। स्टार का ये मतलब नहीं है कि आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सक रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि रास्ते में कोई ऐसी फायरवॉल आई हुई है जो आपको वहाँ तक पहुँचने से रोक रही है, ठीक है। तो अगर आपने रास्ते में कोई ऐसी फायरवॉल है जो आपको उस तक टीसी ट्रेसट के पैकेट्स जाने से रोक रही है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको ब्लॉक कर रही है, यानी दूसरे बंदे की फायरवॉल ने आपको ब्लॉक किया हुआ, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे ये भी बताती जाएगी कि कितने मिली सेकेंड्स का डिले हर ट्रैफिक के लिए आ रहा है। इसके साथ एक और कमांड यूज़ होती है, पाथ पिंग की, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे बैठ के रन करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, पाथ पिंग google.com, तो ये बता रही है कि कितने हॉप काउंट्स के साथ मैं गूगल तक पहुंची हूँ, और उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट भी ला के देगी। हम थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं वो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, कि वो गूगल तक जाने के लिए रास्ते में जितने राउटर्स हैं वो सारे के सारे और उनके स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल ट्रबल शूटिंग कमांड है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि ये कमांड यूज़ करते हैं, मगर इट्स वेरी हेल्पफुल कि कितने परसेंटेज ऑफ डिलेज आए हैं, कौन से राउटर पे सबसे ज़्यादा डिले आ रहा है, ठीक है, किस पे पैकेट जाते हुए लॉस्ट हुए हुए, राउंड ट्रिप टाइम कितना है। डिपेंड करता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कितनी देर में कंपाइल करते हो और कैसे यूज करना चाहते हो। थोड़ी देर लगा रहा है ये इसको प्रोसेस करने में, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो पॉज कर लूँ। और पाथपिंग के साथ अगर सिर्फ मैं आप मेरे ख्याल में पाथपिंग -6 google.com करेंगे तो वो आईपी वर्जन 6 के नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करके लाएगा। मेरे ख्याल में मैं इधर यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पॉज कर लेता हूँ, ये क्योंकि ये कह रहा है कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर 250 सेकेंड्स, तो मैं फिर वापस आता हूँ आपके पास। और जनाबे वाला ये आउटपुट आ गई है मेरे पास, और ये आउटपुट मैं भी आपको अगर क्विकली दिखाऊँ,
देखता हूँ ये इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ या नहीं, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि लॉस्ट सेंड राउंड ट्रिप टाइम के 3 मिलीसेकंड के अंदर मुझे इस राउटर ने रिप्लाई दिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्लो राउटर जो है हमारे रास्ते में रहा वो रफली ये वाला राउटर रहा। ठीक है, तो ये इधर से आपको पता चल रहा है। ठीक है, और ये 100% मेरे ख्याल में लॉस्ट पैकेट्स हैं, नहीं लॉस्ट पैकेट नहीं है, कुछ हो रही है। ठीक है, इसको तो सही से दिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, ये यहाँ पे कोई फायरवॉल लगी हुई है जिसने हमारे ये पैकेट्स को ब्लॉक किया। ठीक है, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन राउटर तक पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया ट्रेस ट्रेस पाथ पिंग की कमांड, कि हमें पूरे रास्ते के अंदर जितने राउटर्स हैं वो सारे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को अभी जब शुरू में बताया कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज के बारे में, तो अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टीज खोलूं, ठीक है, और मैं चाहूं कि इस राउटर को, ये जो मैंने राउटर बना दिया जिसमें राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस इंस्टॉल कर दिया, स्टैटिक राउट्स भी डाल दिए हैं, रिप भी चला दिया हमने, ठीक है, उसको IP वर्जन 6 एनेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको IP वर्जन 6 के चेकबॉक्स को इनेबल कर देंगे और ये IP वर्जन 6 आ जाएगा। और उसके बाद IP वर्जन 6 के टैब के अंदर, वो याद है हमने जब DSCP पढ़ा था तो हमने कहा कि IP वर्जन 6 का प्रीफिक्स असाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जब राउटर से रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे हम FT00 टक कर दें तो ये प्रीफिक्स असाइनमेंट हो जाएगी। अलाउ रेस्ट टू द सिलेक्टेड एडॉप्टर, आपने किस एडॉप्टर पे करना चाहते हो उसको करके अप्लाई कर दें, तो ये आपका राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज एनेबल हो जाएगी। ठीक है, और वो IP वर्जन 6 के पैकेट्स को भी रिस्पॉन्ड करेगा। वो जब क्लाइंट मशीन, अगर आपको शुरू की स्लाइड याद है DSCP सर्वर की, ये वाली, कि अपने DSCP सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और उसका DSCP सर्वर वो FD00 करके अपने नेटवर्क प्रीफिक्स दे रहा होता है, तो वो यही काम हमने ये यहाँ से करना। ठीक है, तो दैट इज़ इट, इसको छोड़ देते हैं, मैं स्लाइड पर आ जाता हूँ। ठीक है, आज हमने क्विकली क्या पढ़ा, हमने DSCP सर्वर देखा, DSCP सर्वर में कुछ इतना खास नहीं था, और उसके बाद हमने अपने स्विच को, अपने कंप्यूटर को एज अ राउटर बनाया और उसमें राउटिंग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल की, उस पर IP वर्जन 4 कन्फिगर किया, OSPF कन्फिगर नहीं हो सकता था, रिप एनेबल किया, और स्टैटिक राउट देखे, स्टैटिकली राउट एंटर करने का तरीका देखा। ठीक है, वी आर कमांड प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और वी आर GUI इंटरफेस भी हो सकता है, मतलब हमने थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट और -P का स्विच भी पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, यानी ये बहुत सारे जो लोगों के साथ मैं काम करता हूँ जो सर्विस टीम के अंदर होते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन द थिंग, बट दिस राउट प्रिंट और राउट एड -P की कमांड पे वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो एग्ज्यूम करते हैं कि नेटवर्क के बंदे को पता होगा। एनीवे, ठीक है, तो इंस्टॉलिंग द राउटर, और फिर हमने राउटर कैसे इंस्टॉल करना, और ये मेक श्योर करें कि OSPF जो है आपके पास नहीं चल रहा अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं 2003 टू 2008, मगर रिप चल रहा है और रिप में काफ़ी ऑथेंटिकेशन हैं। मेरी जाती राय, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और रिप चल रहा है आपके विंडोज़ के इन्वायरमेंट में, तो उनको बताएं कि यार राउटर ही खरीद लें, काफ़ी सस्ते राउटर्स हैं। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।